तो अगर आप भी रोहित शर्मा को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, मुंबई इंडियंस ने ठुकराया तो आरसीबी ने अपनाया। आईपीएल 2025 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की तरफ से कप्तानी करते हुए नजर आएंगे रोहित शर्मा। टीम में शामिल होते ही बदल कर रख दी बेंगलुरु की पूरी टीम। एक से एक नए खूंखार खिलाड़ियों को टीम में शामिल कर बना डाली आईपीएल की सबसे खतरनाक प्लेइंग 11। तो आखिर कप्तान बनते ही रोहित शर्मा ने किन किन खूंखार खिलाड़ियों को दिया है टीम में मौका? क्या है रोहित का आईपीएल 2025 जीतने के लिए मास्टर प्लान? रोहित के द्वारा बनाई गई नई बेंगलुरु की टीम कैसी नजर आ रही है वो तो हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है विराट कोहली और रोहित शर्मा में कौन है सबसे बेहतर कप्तान? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने अपनी कप्तानी में भारत को आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 में जीत दिलाई थी और भारत को 11 साल बाद टीम इंडिया का कोई आईसीसी ट्रॉफी में जीत दिलाई थी। हालांकि उससे पहले उन्हें मुंबई इंडियंस ने आईपीएल में कप्तानी से हटा दिया था। रोहित ने आईपीएल 2024 में दिग्गज हरपन मौला खिलाड़ी हार्दिक पांड्या की कप्तानी में खेला था, लेकिन अब ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि हर किसी को चौंका कर रख दिया है। रोहित का सफर आईपीएल से मुंबई के लिए समाप्त हो चुका है और वे दूसरी टीम में अगले सीजन में खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। दरअसल मुंबई ने रोहित शर्मा से बिना पूछे ही टीम में ट्रेड कर रहे हार्दिक पांड्या को अपनी टीम का हिस्सा बनाया था और उन्हें कप्तान भी नियुक्त कर दिया था। इसके बाद रोहित काफ़ी नाराज नजर आए थे और वे बिना कुछ कहे आईपीएल में खेल रहे थे। आईपीएल 2024 के दौरान ही ऐसी खबर सामने आ रही थी कि शर्मा टीम मैनेजमेंट से नाराज़ हैं और इस दौरान वो कोई और फ्रेंचाइजी और टीम के साथ कोच के साथ बातचीत किए जा रहे हैं। ऐसे में अब एक ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही है कि हिटमैन रोहित शर्मा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए खेलते हुए नजर आ सकते हैं। बता दें कि बेंगलुरु के पूर्व बल्लेबाज एबी डिविलियर्स ने अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए कहा है कि रोहित शर्मा ने बेंगलुरु की टीम में शामिल हो सकते हैं। यही नहीं, वे टीम की कप्तानी कर सकते हैं और विराट कोहली के साथ पारी की शुरुआत कर सकते हैं। कोहली के साथ खेलते हुए देखना बहुत अच्छा होगा। दरअसल अगर रोहित मुंबई को छोड़कर आईपीएल के ऑक्शन में जाने का फैसला करते हैं तो कई टीमें उन्हें अपने स्क्वाड में शामिल करना चाहेंगी। मौजूदा समय में बेंगलुरु की कप्तानी साउथ अफ्रीका के पूर्व खिलाड़ी फाफ डुप्लेसी संभाल रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में वे अधिक समय तक ये जिम्मेदारी नहीं संभाल सकते हैं और बेंगलुरु जैसी टीम एक भारतीय खिलाड़ी को अपनी टीम में शामिल करना चाहेगी। अगर रोहित शर्मा आईपीएल 2025 में बेंगलुरु की कप्तानी करते हैं तो वो अपनी टीम में कई खूंखार चेहरों को शामिल कर सकते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के सबसे खतरनाक गेंदबाज मिशेल स्टार्क। वहीं अपनी बल्लेबाजी से हर किसी का आईपीएल में दिल जीतने वाले खिलाड़ी ट्रेविस हेड और रिंकू सिंह को टीम में शामिल कर एक नई प्लेइंग 11 तैयार कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको रोहित के द्वारा बनाई जाने वाली नई प्लेइंग 11 दिखाते हैं कैसी नजर आ सकती है बेंगलुरु की पूरी टीम। रोहित शर्मा ने बेंगलुरु के लिए ओपनिंग करने की जिम्मेदारी अपने और ट्रेविस हेड के कंधों पर रख सकते हैं, हालांकि क्योंकि ट्रेविस हेड ने पिछले सीजन में अपनी बल्लेबाजी से हर किसी का दिल जीता था और अकेले हैदराबाद को कई मैच जिताए थे। वहीं रोहित शर्मा नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए टीम के किंग यानी कि विराट कोहली को रख सकते हैं। विराट अकेले बेंगलुरु के लिए कई मैच जीता चुके हैं और टॉप स्कोरर भी रहे हैं। नंबर 4 पर रोहित की कप्तानी में खेलते हुए साउथ अफ्रीका के बेहतरीन खिलाड़ी फाफ डुप्लेसी नजर आ सकते हैं। इन्होंने भी बेंगलुरु के लिए शानदार खेल दिखाया है और हर किसी का दिल जीता है। नंबर 5 पर बेंगलुरु की तरफ से रजत पाटीदार खेलते हुए नजर आ सकते हैं। इन्होंने भी पिछले सीजन में शानदार प्रदर्शन दिखाया था और अपने बल्ले से काफ़ी रन बनाए थे। नंबर 6 पर बल्लेबाजी करने के लिए रोहित शर्मा रिंकू सिंह को टीम में शामिल कर सकते हैं। इन्होंने कोलकाता को कई मैच अकेले दम पर जिताए हैं, इसलिए रोहित सबसे अधिक भरोसा रिंकू सिंह पर करते हैं और वो बेंगलुरु की टीम में रिंकू सिंह को शामिल भी कर सकते हैं। अगर हम ऑलराउंडर डिपार्टमेंट की बात करें तो रोहित शर्मा ग्लेन मैक्सवेल को टीम में शामिल कर सकते हैं। इनका साथ देने के लिए स्पेन डिपार्टमेंट में करण शर्मा खेलते हुए नजर आ सकते हैं। वहीं हम तेज़ गेंदबाजी डिपार्टमेंट की बात करें तो रोहित शर्मा मोहम्मद सिराज का साथ देने के लिए ऑस्ट्रेलिया के सबसे खतरनाक गेंदबाज मिशेल स्टार्क को में रख सकते हैं या और यश दलाल भी खेलते हुए नजर आ सकते हैं। इस टीम के साथ रोहित शर्मा अपनी कप्तानी में बेंगलुरु को ट्रॉफी दिला सकते हैं। तो रोहित की कप्तानी में ऐसी नजर आएगी बेंगलुरु की नई प्लेइंग 11, जिसमें सभी ये खिलाड़ी खेलते हुए नजर आएंगे। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा को बेंगलुरु में शामिल हो जाना चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी नई नई खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।